दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ढाका में बंग बंधु बापू प्रदर्शनी में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, तो ढाका एयरपोर्ट पर शेख हसीना ने किया स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। फिर गरमाया राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दर्ज कराई एफआईआर, शेखावत ने दिल्ली में दर्ज कराई है एफआईआर। किसान आंदोलन का 120वां दिन आज, 4 महीने पूरे होने पर आज भारत बंद का ऐलान, प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर लगाया जाम, 32 जगह पटरियों पर भी बैठे रेल सेवा प्रभावित। आज मिशन असम पर बीजेपी के चाणक्य, गृह मंत्री अमित शाह कामरूप में कर रहे जनसभा को संबोधित, तो सिलचर समेत 3 जगहों पर करेंगे रैली, तो वहीं तमिलनाडु में गरजेंगे जेपी नड्डा। यूपी में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी, अधिसूचना के मुताबिक 4 चरणों में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को होगी वोटिंग, तो वहीं 2 मई को आएंगे नतीजे, नामांकन की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू। आरजेडी के बिहार बंद में फंस गए सीएम नीतीश के मंत्री, पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर निकाली गाड़ी। बता दें कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों की पिटाई के विरोध में आरजेडी ने आज बिहार बंद का आह्वान किया है। निकिता के हत्यारों को आज मिलेगी सजा, दोषी तौसीफ और रेहान की सजा पर बहस पूरी, दोपहर 3:30 बजे दोषियों को सजा सुनाएगा कोर्ट। भारत आ रहे इसराइल के जहाज पर ईरान ने दागी मिसाइल, अरब सागर में बड़ी टेंशन, इसराइली सिक्योरिटी अधिकारी के मुताबिक अरब सागर में इसराइल की एक कार्गो शिप पर मिसाइल से हमला किया गया और यह हमला ईरान ने कराया है। मुंबई के सनराइज अस्पताल में लगी आग, हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत, भांडुप इलाके के ड्रीम मॉल की घटना, कोविड अस्पताल में भर्ती थे करीब 73 मरीज। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, रिया चक्रवर्ती ने गलत दवाई देने का लगाया था आरोप, रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर दर्ज मामला रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। देश में आज करीब 60,000 नए मामले दर्ज, अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा आंकड़े, पिछले 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड 59,118 नए केस, जबकि 287 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में बेलगाम कोरोना, 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा पॉजिटिव, 111 लोगों की मौत। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, जयपुर में 24 घंटे में फिर मिले 77 नए केस, जोधपुर में 2 जज भी हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा विकराल, एक हफ्ते में बढ़े 66% केस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में दूसरी लहर अप्रैल महीने के आखिरी में अपने चरम पर होगी और यह लहर 100 दिन लंबा चलेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया कोविड नियमों का उल्लंघन, पॉजिटिव होने के बावजूद लोगों को बुलाकर ली बैठक, अब हो रही आलोचना, पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री शिबली फराज ने ट्वीट की फोटो। 25 साल तक के लिए सस्ते किराए पर मकान देगी यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में योजना को दी गई मंजूरी और इसे 2 तरीके से प्रदेश में किया जाएगा लागू। बिहार सीएम नीतीश कुमार का दावा, सालों बाद पटना लौटने पर लोगों को होता है आश्चर्य, नीतीश कुमार ने कहा पटना छोड़कर सालों पहले जाने वाले लोग अब पटना वापस आते हैं तो उनको यहां का निर्माण कार्य देखकर आश्चर्य होता है। अब नाक के जरिए वैक्सीन देने की तैयारी, ऑक्सफोर्ड ने 30 वॉलंटियर्स पर शुरू किया परीक्षण, वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सीधे फेफड़े में दवा डालना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। टाटा सन्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, टाटा के अध्यक्ष पद पर नहीं होगी मिस्त्री की बहाली, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले के खिलाफ टाटा की अपील को स्वीकारते हुए साइरस मिस्त्री को हटाने के फैसले को सही ठहराया। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं जानते जेसीटीएसएल के अधिकारी, लो फ्लोर बसों में दिया जा रहा कोरोना का खुला निमंत्रण, बसों में ठूस ठूस कर यात्रियों को करवाया जा रहा सफर। जेएनवीयू का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम, सीएम अशोक गहलोत अति विशिष्ट मुख्य अतिथि, तो उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे विशिष्ट अतिथि, 77 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 138 को दी गई पीएचडी उपाधि। सदियों पुरानी परंपरा पर लगा कोरोना का ग्रहण, 301 साल में पहली बार भक्त नहीं खेल पाएंगे बाबा श्याम के साथ होली, खाटू श्याम जी में नहीं होगा होली धुलंडी का कार्यक्रम। 10 अप्रैल से ट्रैक पर दौड़ेगी शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से दौराई स्टेशनों के बीच होगी संचालित, फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दे दिए थे संकेत। होटल मैरियट में फर्स्ट इंडिया का भव्य होली मिलन समारोह, राजनीतिक सामाजिक न्याय क्षेत्र के हस्तियों ने की शिरकत, चैनल हेड जगदीश चंद्र ने किया अतिथियों का स्वागत, सभी ने की समारोह की तारीफ। सीरीज सील करने उतरी विराट सेना, भारत और इंग्लैंड के बीच आज पुणे में दूसरा वनडे, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी इंग्लैंड, 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे।